प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। कोरोना महामारी के समय मध्य प्रदेश में सरकार गिराई और अब राजस्थान में कुंठित प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार कोरोना महामारी में मदद करने के बजाय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। कैबिनेट की मांग के बाद भी राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा। पांडे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की संविधान बचाने की मुहिम में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएं। नमस्कार, जैसा कि सभी जानते हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर बीजेपी द्वारा निरंतर प्रहार किया जा रहा है। राज्य दर राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को धन बल एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से अस्थिर करने का एवं गिराने का कुंठित कृत्य किया जा रहा है। जहां एक ओर संपूर्ण विश्व एवं मानवता कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है, वहीं आमजन को राहत देने के स्थान पर केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोरोना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और अपने प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में शीघ्र विधानसभा सत्र आरंभ किए जाने के आग्रह के बावजूद माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसे अनदेखा किया जाना स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि दिनांक 26 जुलाई की सुबह 10 बजे राष्ट्रव्यापी स्पीक अप डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आमजन एवं सभी कांग्रेसजन भाग लेंगे। कांग्रेस का स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं की ओर से लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। राजस्थान में यथाशीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है। जनादेश का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करती। पूरा देश अचंभित है, पूरा देश अवाक है कि जो कुछ हो रहा है। लोकतंत्र को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं द्वारा की जा रही है, यह निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी भस्मा की जानी चाहिए। हम सब इसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार राज्यपाल महोदय ने सत्र बुलाने के मामले में अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, ये पूरा देश देख रहा है। राज्यपाल महोदय को बताना चाहिए कि सत्र क्यों नहीं बुलाना चाह रहे। सत्र जब भी सरकार कहती है, कोई सरकार हो, कोई राज्यपाल हो, कोई जब भी राज्य सरकार कहती है विधानसभा का सत्र बुलाना होता है। लेकिन किस नियम के तहत, किस तरीके से, जिस प्रकार राज्यपाल महोदय मना कर रहे हैं, समझ से बाहर है। हम राज्यपाल महोदय से आग्रह ये करना चाहते हैं कि सत्र बुलाएं। कांग्रेस का स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को डोटासरा ने नसीहत दी। कहा चुनी हुई सरकारों को गिराने के बजाय जनता से किए हुए वादे पूरे करें। बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, एमपी के बाद अब राजस्थान में भी सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है। डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की सोशल मीडिया पर अभियान में भाग लेने की। केंद्र की भाजपा सरकार और उसमें शामिल भाजपा के नेता जिस प्रकार से पूरे देश में, राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को, जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, उनको गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में वो कामयाब हो गए और अब राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके बनाई है। जो सरकार कोरोना के समय बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री ने भी जिस सरकार की कोरोना के समय कार्य करने की प्रशंसा की है। अब मैं उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं
कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार है उसको गिराने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जिस वादों के साथ में वो जनता से जो वादे करके केंद्र की सरकार में काबिज हुए थे वो काम करें। यहां पर बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, उनको काम करने दे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में लोकतंत्र जीतेगा, भाजपा का षड्यंत्र हारेगा। जय हिंद, जय भारत।